अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आप सबका बुग्गा। ओए बुग्गे, तुझे क्या हुआ? ये तू क्या मूछ पाता फिर रहा है पागल आदमी? बुगली, तुझे नहीं पता? क्या नहीं पता? जब पूरी दुनिया में तबाही मची हुई और तुझे पता ही नहीं? क्या बता, तो सही हुआ क्या है? कोरोना आ गया। कोरोना? कोरोना? हाँ। तो तूने उसके पैसे देने जो तू उसे मूछ पाता फिर रहा है? बुगली, मैंने उसके पैसे नहीं देने, वो चाइना से आया है। ओए, चाइना से आया है? हाँ। फिर तो बड़ा सोना होगा वो, है ना बुग्गे? ओए बुगली, पूरी दुनिया में तबाही मची है और तेरे से सोने को जैसे गर्ज है। हाय हाय बुग्गे, क्या हो गया? मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि चाइना से आया तो सोना होएगा वो, तू क्यों उसे मुंह छुपाता फिर रहा है? और मुझे पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। हाय, मजे कोरोना आया है। सुना बुगली, मैं ये कह रही थी कि जो कोरोना है ये नाक को काटता है भला? नहीं पागल, ये नाक से अंदर घुसता है। ओए टूट मरने, मैं भी तो ऐसे खड़ी हूँ, मेरे तो नहीं नाक में जा रहा। तुझे कुछ नहीं पता, आ लोगों से पूछे। चल आ जा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर, आपने कोरोना को देखा है? मैंने पहले तो नहीं देखा। मतलब आपने नहीं देखा? देखिएगा, बड़ा सोना है, वो चाइना से आए। सर इसे छोड़ें, ये पागल है, इसे कुछ नहीं पता, आप इसे बताएं सही में कोरोना होता क्या है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कोरोना एक बहुत बुरी बीमारी आई है, ठीक है, हमें डट के इसका मुकाबला करना चाहिए। हमें चाहिए, अगर किसी से बात करनी है तो उसमें आपको थोड़ा सा गैप रखना होगा, और दूसरे नंबर पे अगर किसी से हाथ में लाया है, पहले नंबर पे आप कोशिश करें कि अपनी पॉकेट मनी से थोड़े से पैसे लगाएं और आप ग्लव्स खरीदें और मास्क लें। ये प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि ग्लव्स और मास्क बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि लाइफ एक मर तो आती है, बार बार नहीं आती, जैसे आपने मूवी तो देखी होगी। तो इसलिए अपनी एहतियात करें, अगर किसी के साथ हाथ मिलाते हैं तो घर जाएं, हाथ धोएं, अगर खांसी अगर आपको आ रही है तो आप कोशिश करें कि ज़रा दूर हो के, अगले को आपने बचाना है, अगर नहीं खुद बच रहा ना कोई तो आपने उसको बचाना है। अगर हम इसी तरह एक दूसरे को बचाएंगे तो हम ठीक रहेंगे, वरना इस वक्त आप देख ही रहे हैं मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, बहुत ही मीन के अब स्कूल वगैरह, उसके बाद कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद है। तो अगर हम इससे अपने आप को बचाएंगे ना तो हमारे कॉलेज वगैरह सारी यूनिवर्सिटी वगैरह महफूज होंगी, आने वाली नस्ल पे ये असर पड़ रहा है। अगर हमें ये वायरस है तो अगर ये वायरस ख़त्म करते हैं, अगर कल में एक बंदे के भी अंदर वायरस रह गया तो आने वाले वक्त में ये दोबारा बीमारी निकल सकती है। तो प्लीज़ आप सबसे यही गुजारिश है कि आप जितना अपने आप को संभालते हैं संभालें, और कोशिश करें अगले को भी आप गाइड करें और उसे बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है कोरोना हर जगह फैला हुआ है, तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मजदूर आदमी क्या कर सकता है, पहले 5 का था, 50 का हो चुका है, हम कैसे ले सकते हैं? शुक्रिया अपना जवाब देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साड़ी ये जो आप मास्क पहन के फेक डॉक्टर बने हुए, ये कितने का लिया? भैया मैंने पूरे 90 रुपए का लिया। 90 रुपए आपके पास आए कहाँ से? भाई जान, कोरोना वायरस आपको नहीं पता? कोरोना वायरस के लिए आपने ये मास्क पहना है? जी भाई जान, और किसके लिए पहनना है, ये दुनिया इधर मर रही है, अगर हम 90 रुपए का मास्क नहीं पहनेंगे तो हम तो मर जाएंगे। अच्छा ये मास्क पहले कितने का था? भाई जी ने पहले 5 का था, हुकूमत को चाहिए दोबारा 5 का कर दिया, अब 90 का कर दिया, गरीब बंदा कैसे लेगा, अमीर बंदे का तो इलाज हो जाएगा, वो तो ये ले लेगा। अच्छा आप जिन लोगों ने ये 90 का कर दिया उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनको बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो गरीब लोग मर रहे हैं वो बस एक वही बंदा एहसास कर सकता है जो जिसका अपना ऐसे इस हालात में हो, कोई दूसरा नहीं पहचान सकता।
के उसके क्या वो करेगा के क्या करेगा के अपना एहसास कर सके उसका, उसकी फैमिली में कोई इस तरह कोरोना वायरस होगा तो वो उसको फ्री दे देगा, मगर एक गरीब के बच्चे को नहीं देगा क्योंकि वो उसका एहसास नहीं कर सकता, वो अपना नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इसको फ्री दें, गरीबों में ज्यादा से ज्यादा बांटें इसको, किसी को अमीर गरीब ना देखे, सब में बांटें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, मैं बाजी नहीं हूं, मैं बच्ची। मास्क में पता ही नहीं लगता कौन बाजी है कौन बच्ची है। क्या क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप सुनाएं। आपने कोरोना देखा है? नहीं। हाय, देखना बड़ा सोना है वो। ये पागल है, कुछ नहीं पता। आप बताओ आपने मास्क क्यों पहना है? मैंने कोरोना से बचने के लिए मास्क पहना। कोरोना है क्या? बीमारी है, वायरस है। आप लोगों को कोई एडवाइस देना चाहोगी? नहीं, बिल्कुल थैंक यू नहीं। अच्छा वैसे बुग्गे, कितनी अजीब बात है ना। क्या बुगली? यही कि चाइना की चीज को तो लोग भाग भाग के पीछे पड़ते हैं, और अब देखो जरा इस कोरोना से कैसे बच के भाग रहे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं अपना। बुगली ये बहुत खतरनाक है, तू भी अपना मुंह छुपाया कर। मैं क्यों भला अपना मुंह छुपाऊं, मैंने कौन सा उसके पैसे देने हैं। बुगली वैसे ये कोरोना नाक को पड़ता है, ऐसी की तैसी कोरोना की ऐवी मेरे नाक को पड़ेगा, मैं इसका ही नाक ना तोड़ दूं कहीं। दोस्तों हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि बुगली का दिमाग हो गया खराब, उसे पागल हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। और कोरोना से बचने के लिए सारी एहतियाती तदाबीर पे अमल लाजमी करो। और हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसी चैनल रेड न्यूज पे। खुदा हाफिज। मुशायरा सदियों की रवायात का अमीन है। मुशायरा अल्फाज की दुरुस्त अदायगी का सबसे मोतबर जरिया है। मुशायरा नए शायरों के लिए तरबियत गाह का दर्जा रखता है। मुशायरा असर हाजिर के बनते बिगड़ते हालात का तर्जुमान है। जी हाँ, रेड न्यूज चैनल पर जहाने अदब के नामवर शायरों के संग तुलुए सुखन मुशायरा जान कश्मीरी की मेजबानी में हर जुमातुल मुबारक को सुबह 10 बजे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए देखना न भूलिएगा।